कैसी हो गंगू भाई? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, पर तेरे घर की हालत देख, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तेरी बीवी को टीबी हो गई है। टीबी? हाँ। भारती, भारती आप आ गए। भारती, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई है? गंगू कह रही है कि तुम्हें टीबी हो गई और तुमने मुझे तुम लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? हम लोग ने दो दिन से खाना नहीं खाया। ये तू ले, अबे अबे कुछ में आ जा। ये देख, मैं तुम लोग के लिए मिठाई लाया हूँ। अमर भाई, ये नहीं जाना, ये बंदूक छोड़ दो, मेरी बंदूक छोड़। भारती, मेरे जेल जाने के बाद रॉबर्ट ने हर महीने तुम्हें रुपया नहीं भेजा? नहीं, और अगर भेजता तो भी मैं नहीं लेती, क्योंकि वो हराम की कमाई होती और मैं हराम की कमाई से अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती। रॉबर्ट, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अब जा कहाँ रहे हैं? अमर बेटे, ये क्या कर रहे हो बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं किशन लाल, आपकी गाड़ी का ड्राइवर। कौन सी गाड़ी? इतनी जल्दी भूल गए रॉबर्ट सेठ? याद है वो दिन जब तुम पुलिस से जान बचाकर भागते हुए मेरे घर आए थे? किशन लाल, किशन लाल। कौन है? किशन लाल घर में है जी। आप? किशन लाल घर में कहाँ है जी? मैं बुलाती हूँ, आप अंदर। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो प्लीज। सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता है? बहुत जरूरी काम है किशन लाल, मेरी बात सुनो। मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी मर गया है। आदमी मर गया? मैं चाहता हूँ इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो। मैं? किशन लाल, तुम एक वफादार मुलाजिम, हर मुलाजिम का फर्ज है कि अपने मालिक की मदद करे। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों का ध्यान में रखूंगा, तुम्हारी जितनी तनख्वाह उससे डबल रकम इनके पास पहुंचा दे करूंगा। किशन लाल प्लीज। उसके बाद आपका सारा इल्जाम आपके कहने से मैंने अपने सर ले लिया, खुद जेल चला गया और आपको बचा लिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझसे वायदा किया था कि मेरे जेल जाने के बाद आप मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखेंगे, जितनी तनख्वाह मुझे मिलती थी उससे तीन गुना ज्यादा मेरे घर पहुंचा दिया करेंगे। तीन गुना तो एक तरफ, आपने एक आना भी नहीं पहुंचाया, क्या यही आपका वायदा था? हम सोच रहे रिस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। हाँ सेठ, जब तुम अपनी विस्की में बर्फ डालना भूल सकते हो तो किसी गरीब के पेट में रोटी डालना कहां तक याद रखेगा। टाइम की बात करो, बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास ले आई है सेठ जी, मेरी बीवी को टीबी हो गया है, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, मैं आपसे अपनी कुर्बानी की कीमत नहीं अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। भीख पर हमको अच्छा नहीं लगता, देखो तुम एक यंग आदमी है, कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो। पहुंचाओ, सोच कर रहे हो, ईमानदारी से किया हुआ कोई काम बुरा नहीं होता, तुमको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा। पहुंचो पहुंचो, कम ऑन कम ऑन। बराबर सफा कराओ, चमक होना चाहिए, शक्ल दिखना चाहिए। ठीक है। आज तुम हमको बोला कि तुम्हारी बीवी बच्चों को हम एक आना भी नहीं भिजवाया, ठीक दीश।
है ना? हाँ, और नहीं तो क्या, बूट पॉलिश करने का तुमको 10,000 रुपये मांगता क्या? रॉबर्ट, तुमने गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाया है, बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे गया रॉबर्ट सेठ, तुम्हें इस वक्त शराब का नहीं दौलत का नशा है, और कसम है अपनी औलाद की तुम्हारा ये नशा एक दिन मैं उतारूंगा। मैं You bloody fool! रॉबर्ट को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी गोलियों से खेलना पड़ा। इस गाड़ी में गोल्ड है, सोना है, फॉलो हिम, फॉलो हिम। चिट्ठी देकर गई है। मत रो राजू, नहीं राजू भाई मत रो। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। नहीं आरती, मैं नहीं चाहती कि आप जो पैसे कमाए हो मेरी बीमारी पे खर्च करें, उन्हीं पैसों से आप बच्चों की परवरिश करना। संतोषी माँ का यह हार आपकी रक्षा करेगा, आपकी भारती। चल बच्चे चल, अब उठो उठो, चलो चलो शाबाश, चल मोटर खड़ी कर, चल चल क्या करेंगे, पीछे बैठ जाओ। अरे भाई बच्चों को लेके तुम कहाँ जा रहे हो? गंगू भाई, रॉबर्ट के आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। भारती न जाने कहाँ चली गई, तुम भी जा रहे हो? ये किशन लाल अपने बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है? घर में तो कोई नहीं है, तब तक किशन लाल भाग गया है। चलो Thank you.